हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी तो इलाहाबाद में ही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि शिमला का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, तो रूम ही में दिन भर लेटे हुए थे। तो अभी खाना बनना स्टार्ट हुआ है, भाई छोटा भाई खाना बना रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। हाय गाइस, छोटा भाई देखिए, एक अलग तरीके की सब्जी हम लोग यहाँ बना रहे हैं, निमोना इसको हम लोग कहते हैं। कुछ अनोखी चीजें हैं ये, अभी आलू काट रहा है, इसमें शिमला के जंगलों में खाने को मिलेगा बस। ये वो तप करके आए तो भूल नहीं पा रहे उन चीजों को, तो उसी से इनका अलग ही लगाव बना हुआ है। ये अभी इसको मिक्सी में पीसे हैं, आप सामने देख रहे होंगे, सॉन्ग की प्लेलिस्ट लग चुकी है। अभी ये गाने बजेंगे, खाना बनाते टाइम ही तो गाना सुनता है छोटा भाई अपना, इसको गाने बहुत पसंद हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, रूम का ही किचन है, इसको थोड़ा डेकोरेट करने कोशिश की गई है, वॉलपेपर आता है उसको लगाया गया है कि लेकिन दीवार इतनी जर्जर हो चुकी है कि अगर भूकंप आ जाएगा तो ढह जाएगा, इसमें दब के हम लोग। बहुत पुराने मकान है ये सब, तो बहुत अच्छे तो नहीं बने हैं, इनकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट इसमें यूज हुए हैं तो गिरते रहते हैं ऐसे जगह जगह से। ये आप देख रहे हैं, इसको बारीक पीसा गया, इसमें कुछ खड़ी मटर के दाने भी हैं, आलू है, टमाटर है, अभी और भी कुछ भाई अपना पीसने जा रहा है, धनिया की पत्ती और लहसुन का पेस्ट बनाएगा, उसको डालेगा, हरा जो लहसुन आता है उसका पेस्ट बना के इसमें डालेगा। फिर से मशीन ऑन कर दिया है, ये देखिए पेस्ट बन चुका है। थोड़ा पानी दे दो, पानी इसमें डालना होगा थोड़ा, क्योंकि वो भी पूरा ऐसे थोड़ा सा पानी डालने पर सही से यार, वो तो इतना गंदा आदत के वो गंदी आदतें हो जाती हैं बाबू। उसमें पानी डाल के फिर से एक बार चलाएगा, पेस्ट तैयार है अपना, पेस्ट बन चुका है। ये इसको भी उसी में डालेगा, डालना पड़ेगा पानी, अभी और डालना पड़ेगा बस। सो गाइस, ये आज इसका टेस्ट लेने को मिलेगा, घर से आए थे तो वहाँ खाने के बाद अभी पहली बार खाने जा रहे हैं, घर पे खाए थे तो यहाँ इलाहाबाद आने के बाद फर्स्ट टाइम खाने चल रहे हैं हम लोग आज। निमोना कहते हैं इसको, इससे चावल खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी अपना सेटिंग करता हुआ भाई, वो शायद हमको लगता है जंगलों से ही टमाटर को लेके आया था, क्योंकि तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे टमाटर हैं, बड़ी चीजें हमको पसंद नहीं है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, ठंड के बारे में गाइस क्या ही बताएं, बाहर निकले थे हाथ मतलब मोबाइल नहीं, फ्रिज खोल के चले आए थे, ठंड बढ़ गई, इसीलिए ठंड बढ़ी है। किस लिए बढ़ी है भैया? पिताजी हमारे फ्रिज खोल के चले आए थे इसीलिए ठंड बढ़ गई। अच्छा, शिमला की ठंड इसीलिए यहाँ पे आई है। बहुत ही फनी है मेरा छोटा भाई, ऐसे जोक्स करता रहता है, हंसाता रहता है। बाहर जाने की हिम्मत तो है नहीं, तो ऐसे ही रूम पे पड़े हुए हैं मस्त एकदम, दिन भर सोए हैं आज, सुबह उठे फिर खाना खाने के बाद फ्रेश हुए, खाना खाए फिर सो गए, फिर अभी उठे हैं तो फिर सब्जी आई बन रही है। ठंडी तो इतनी थी बाहर की, सब्जी भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था कि जाके कोई सब्जी लेके आए, तो हिम्मत करी हमने, गए सब्जी लेके आए। अब छोटा भाई बना रहा है, अभी खाने मिल जाएगा फाइनली गाइस, खाने को मिलेगा। सुबह भी अच्छे से खाना नहीं खा पाए थे। सो गाइस मस्त आज मज़ा आ गया निमोना खा के, इतने टाइम बाद घर से आए तो आज निमोना खाने को मिला, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। तो बैठे थे इसे, भाई पढ़ रहा छोटा भाई अपना, एक अलग ही लैंग्वेज पढ़ रहा है वो, भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये शायद आपको उर्दू लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं, ये भाई बहुत टाइम से शॉर्ट हैंड सीख रहा है, इसका ट्रांसक्राइब वर्जन है। ये पीछे पहले इसका पैसेज है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ,
और उसके बाद ये उसका ट्रांसक्राइब वर्जन, वही सेम चीज़ें जो इधर लिखी हुई हैं इंग्लिश में उसी का ये ट्रांसक्राइब वर्जन इधर है। ये कोडिंग लैंग्वेज है, यही लोग समझ पाएंगे, बाकी किसी और को समझ आने वाली नहीं है। जितने भी स्टोनो होंगे उनको समझ आएगा ये कि क्या लिखा है। ये भाई देखिए इसका तैयारी इसकी जोरों पे है। इसको ये पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रूम ही में बैठे हैं हम भी, तो हम चल रहे हैं थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाएंगे ना, फिर सोते हैं, मिलते हैं। आगे ऐसी भी वीडियो आती रहेंगी, हम आगे फिर यहाँ के स्टूडेंट से मिलेंगे, उनके बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज, ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन हम आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि यहाँ के स्टूडेंट्स के जो स्ट्रगल्स हैं, कैसे यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं वो लोग, अपने स्ट्रगल को उन्होंने बताया, अच्छा लगा जान के। ऐसे ही हम आगे भी वीडियोस लाएंगे, तो तब तक के लिए गुड नाइट।